सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना संजू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जहाँ बेल आइकन की घंटी जो है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा फ्रेंड्स। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन गाइस। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इस तरह का मल्टीपल कलरफुल फॉन्ट्स। जैसे कि इंटरफेस में देख ही रहे होंगे, इस तरह का आपको आज मल्टीपल कलरफुल फॉन्ट्स एडिट करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो पर जो है लास्ट तक बने रहेगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बगल में जो है बेल आइकन घंटी जो है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अगली आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की और विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको चले जाना है अपनी पिक्सेल ऐप की ओर। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर न्यू टेस्ट वाला जो ऑप्शन है सिंपली इसमें कर लेना हमको प्रेस, ठीक है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद हमको कैपिटल लेटर में हियर लिख लेना है, ठीक है। फिर लिखने के बाद हमको जो है ओके पे कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको नीचे में देख सकते हो ये वाला आइकन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको आगे इंस्टॉल कर लेना है। आगे इंस्टॉल करने पर हमको यहाँ पर फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ए बी वाला, ठीक है। सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, इस फंड का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हमको जो है साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है। साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद साइज़ हमको इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आपको ठीक लगे, मैं यहाँ पर इतना रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। लॉक करने के बाद हमको अब नीचे में देख सकते थर्ड नंबर पर ये वाला आइकन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। और यहाँ पर प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर इंपोर्ट पर कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद ये जो है आपकी गैलरी की ओर ले जाएगा फ्रेंड्स। तो वहाँ से आप जो है जाकर यहाँ पर ये वाला PNG जो है ऐड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम इसको साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर ले रहे हैं, ठीक है। आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा और कुछ इस तरह से कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। आज का वीडियो कुछ यूनिक होने वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ नया एडिटिंग करना सिखाएंगे, आप जो है बस लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो जो है फुल वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से इसको ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, बस आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा ऑलमोस्ट ऐड हो चुका है। तो सिंपली हम इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। लॉक करने के बाद हमको नीचे में देख सकते हैं अब जो है ये फोर्थ नंबर पर ये वाला आइकन मिलेगा, सिंपली हमको इस पर कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ से गैलरी में सेव कर लेना है, तो सिंपली इस वाले आइकन पे कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको नीचे में देख सकते हो सेव एज इमेज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट वाला और नीचे में ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट वाला अल्ट्रा वाला सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है हमको प्रेस। प्रेस करने के बाद ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सेव हो चुका है। तो सिंपली यहाँ से हमको चले जाना है बैक, ठीक है। बैक चले जाने के बाद हमको अपना जो है फोटोशॉप ओपन कर लेना है, ठीक है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे कि आप देख ही सकते हो। सिंपली हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर ये वाला आइकन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है हमको प्रेस। और प्रेस करने के बाद यहाँ पर फोटो लाइब्रेरी वाला फर्स्ट में ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। उसके बाद यहाँ से हम जो है एक पिक सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पिक पर हम एडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक पिक ले लेता हूँ कोई सा भी, ठीक है। इतना करने के बाद हमको नीचे में देख सकते हो फोर्थ नंबर पर, फोर्थ फाइव नंबर पर ये वाला आइकन मिलेगा, ठीक है। सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद यहाँ पर छोटा सा प्लस वाला आइकन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो लेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें दो बार कर लेना है प्रेस, ठीक है। और यहाँ से अब जो है हमको ट्रांसपेरेंट किए थे पिक्सेल ऐप से, तो उसको जो है हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। इतना करने के बाद हमको राइट पर सीधा क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक करने के बाद फिर से हमको चले जाना है यह प्लस वाला आइकन पर। प्लस वाला आइकन पर चले जाने के बाद हमको इस बार जो है इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो बार जो है प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हम दो बार प्रेस कर लेते हैं, दो लेयर बन जाएगा। उसके बाद हमको डन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर से रहकर हमको चले जाना है इस वाले आइकन पर। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो इन्वर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है हमको प्रेस, ठीक है। प्रेस करने के बाद हमको इसका जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको नीचे में देख सकते हैं नॉर्मल वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर भी हमको कर लेना है प्रेस। और यहाँ से हमको स्क्रीन जो है फाइव नंबर पर मिलेगा, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमको जो है सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको एफएक्स पर चले जाना है। एफएक्स पर प्रेस करने के बाद हम आपको ये देख सकते हैं फोर्थ नंबर पर ड्रॉप शैडो वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको इसका एंगल जो है 135 के अराउंड रख लेना है, ठीक है। 135
क्राउन रख लेने के बाद हमको नीचे में देख सकते हैं ये फोर्थ नंबर पर ये वाला आइकन मिलेगा डिस्टेंस वाला, तो डिस्टेंस को हमको 5 के अराउंड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमको राइट पे क्लिक कर लेना है और इधर भी राइट पे क्लिक कर लेना है। तो इसका फिर से हमको ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, तो सिंपली इस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको सेम प्रोसेस यहाँ भी मिलेगा हमको नॉर्मल वाला, तो नॉर्मल वाला ऑप्शन में प्रेस करने के बाद हमको इस बार जो है मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेना है जो थर्ड नंबर पर मिलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको अब जो है लास्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है थर्ड लेयर, ठीक है। उसके बाद हमको इफेक्ट्स पर फिर से चले जाना है, इफेक्ट्स पर चले जाने के बाद हमको इस बार जो है बेवल लेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बेवल ले लेते हैं जो 6 नंबर पर पड़ेगा, ठीक है। तो बेवल को हम जो है ब्लर यहाँ पर 21 के राउंड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको राइट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद हमको इसका एंगल चेंज कर लेना है, तो सिंपली हम एंगल वाले पर कर लेना है प्रेस और यहाँ से हमको इसको 145 के राउंड रख लेना है, ठीक है एंगल। इतना करने के बाद हमको अब कलर वाला ऑप्शन पर आ जाना है, कलर को हमको ब्लैक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर फोर्थ नंबर पर डिस्टेंस वाला ऑप्शन मिलेगा, तो डिस्टेंस को हमको कर लेना है 16 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद हमको राइट पे क्लिक कर लेना है, राइट पे क्लिक करने के बाद फिर से हमको जो है इसको बेवल पर चले जाना है और एक बार और से बेवल लगा लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद हमको थर्ड लेयर पर रहकर इस वाले आइकन पर चले जाना है, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको जो है पिक्सल जो है पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है पिक्सल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद जो है हमको अब चले जाना है इस वाले आइकन पर, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं कर्व जो वाला ऑप्शन मिलेगा, कर्वेज वाला, सिंपली इसमें हमको कर लेना है प्रेस, ठीक है। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेना है, ठीक है। आप जो है स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मेरे साथ इसी तरह का स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तब जो है आप इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे। तो जैसा जैसे मैं करूँ बस वैसी वैसी आप भी करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तब जो है आप इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे। तो देख सकते हैं ये फ्रेंड्स, ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमको यहाँ राइट पे क्लिक कर लेना है, देख लीजिएगा जैसा जैसे मैं कहूँ बस वैसी वैसी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमको जो है सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको ये एंड वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर ग्रेडियंट कलर जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम जो है ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा ऑलमोस्ट हम पहले से ही लेके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट कलर कैसे बनाते हैं इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो उस वीडियो का अभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं कि ग्रेडियंट कलर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमको यहां से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमको अब चले जाना है इस वाले आइकन पर, ठीक है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको है डी सेलेक्ट कर लेते हैं। डी सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो है हमको अब जो है ऊपर वाला लेयर फर्स्ट वाला लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बीच में जो हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर प्लस मोड लगा लेना है, ठीक है। प्लस मोड लगा लेने के बाद हमको ये वाला भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इधर का भी ये वाला हमको सिलेक्ट कर लेना है। आप जो वीडियो पर एंड तक बन रहेगा, ठीक है, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आपको सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको इफेक्ट्स पर चले जाना है। इफेक्ट्स पर चले जाने के बाद हमको यहाँ पर स्टाइलिज ले लेना है, ठीक है। स्टाइलिज ले लेने के बाद हमको यहाँ पर हाल पटर्न पैटर्न ले लेना है, ठीक है। हाल पटर्न पैटर्न लेने के बाद हमको इसको करना है येल्लो, ठीक है। येल्लो करने के बाद हमको कुछ इस तरह से इसको कर लेना है। तो हमको इसका जो है कलर जो है येल्लो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है साइज हमारा 5 के राउंड रख लेना है, जैसे कि देख सकते हो मैंने 5 ही रखा है, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से प्लस मोड हटा लेना है, ठीक है। प्लस मोड हटा लेते हैं, उसके बाद हमको जो है फर्स्ट लेयर जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ से ये वाला जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर से हमको प्लस मोड लगा लेना है, ठीक है। प्लस मोड लगा लेने के बाद हमको कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और इधर से ये वाला। बस अब जो है वीडियो पर एंड तक बन रहेगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमको ये सब ले लेते हैं। तो यहाँ से हमको ये बीच वाला ले लेते हैं, सॉरी, यहाँ से हम सिंगल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट सेकंड लेयर पर आ जाते हैं, ठीक है।
सेकंड लेयर पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से प्लस मोड लगा लेते हैं, ठीक है। प्लस मोड लगा लेने के बाद हमको यहाँ से अब सेलेक्ट कर लेते हैं। बस आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा और स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। आज का वीडियो कुछ यूनिक होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पर जो है आप लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमको ये वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमको जो है सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमको चले जाना है एफेक्ट्स पर। एफेक्ट्स पर चले जाने के बाद हमको यहाँ पर जो है अब जो है स्टंप पैटर्न लगा लेना है, ठीक है। स्टंप पैटर्न लगाने के बाद हमको यहाँ से कलर हमको रो जो है रेड कर लेना है। तो रेड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर एंगल पर आ जाते हैं, यहाँ पर स्केल पे आ जाते हैं। स्केल को हमको 25 के अराउंड रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर स्केल को हमको 25 के अराउंड रखा है। तो 25 के अराउंड रख लेने के बाद हमको सिंपली राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से प्लस मोड हटा लेना है। प्लस मोड हटा लेने के बाद हमको यहाँ से अब जो है सेकंड लेयर से रहकर हमको ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम जो है प्लस मोड लगा लेते हैं। प्लस मोड लगा लेने के बाद हमको कुछ इस तरह से हमको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा और स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तभी जो है आप इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। इतना करने के बाद हमको जूम आउट कर लेना है, ठीक है। जूम आउट कर लेने के बाद हमको यहाँ पर थर्ड लेयर सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको एंड वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हैं फिल स्टॉक वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो टाइप वाला ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली टाइप वाले पे कर लेना है प्रेस और यहाँ से हमको जो है नॉइस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नॉइस सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से प्लस मोड हटा लेना है और जो है सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको जो है ऊपर वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, प्लस मोड लगा लेना है। उसके बाद हमको ये वाला जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हमको ये हार्ड भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जूम आउट कर लेना है। यहाँ पर हमको जो है लास्ट लेयर आ जाना है, ठीक है। लास्ट लेयर आ जाने के बाद सेम प्रोसेस हमको यहाँ पिक करना है। एंड वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से फिल स्टॉक लगा लेना है, ठीक है। फिल स्टॉक लगा लेने के बाद हमको यहाँ से इसका जो है अमाउंट कर लेना है 20 के अराउंड, ठीक है। 20 के अराउंड रख लेने के बाद हमको सिंपली इसमें राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से इसको प्लस मोड हटा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमको फर्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको चले जाना है एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको बेसिक में आ जाना है। बेसिक में आ जाने के बाद हमको यहाँ पर ग्लो कर लेना है। तो ग्लो वाले पे कर लेना है प्रेस, ठीक है। ग्लो वाले पे प्रेस करने के बाद हमको जो है इसका ब्लर जो है 0.9 के रन रखेंगे, ठीक है। 0.9। उसके बाद हमको राइट पे क्लिक कर लेना है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमको नीचे में देख सकते हो ये कलर वाला ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पर। सिंपली हमको इसको वाइट कर लेना है, ठीक है। वाइट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ से अब जो है ये प्लस वाला आइकन मिलेगा। सिंपली इसमें कर लेना है हमको प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। सिंपली हम डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं फर्स्ट लेयर का, और जो है लास्ट लेयर का भी हमको डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से हमको जो है डुप्लीकेट लेयर पे कर लेना है प्रेस। उसके बाद हमको राइट ओके पे कर लेना है प्रेस, ठीक है। ओके पे प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से फर्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ से प्लस वाले आइकन पर चले जाना है, ठीक है। प्लस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से फोटो लेयर वाला फर्स्ट नंबर वाला सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से जो है ले लेते हैं एक PNG भी ले लेते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये वाला PNG ले लेते हैं, इसका लिंक डाल दूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हमको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको यहाँ से कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा फ्रेंड्स, तभी जो है आप इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये एड कर लेना है, उसके बाद हमको कॉपी कर लेना है, फिर से हमको पेस्ट कर लेना है और यहाँ से हमको इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ठीक से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली फिर से कॉपी और फिर से हमको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमको यहाँ पर ऐड कर लेना है इसको, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से हमको कॉपी और फिर से हमको पेस्ट। तो यहाँ से हम जो है यहाँ पर कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ इंक्रीज कर लेने के बाद सिंपली हमको यहाँ से ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। तो साइज़ में थोड़ा और इंक्रीज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं साइज़ मैंने इंक्रीज कर लिया है। तो सिंपली हम इसको कॉपी लेयर कर लेना है और इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको कर लेना है, ठीक है ऐड। तो अब जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको सिंपली इस तरह से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी लेयर बनाकर हमको सिंपली फिर से पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करने के बाद हमको यहाँ पर ऐड कर लेना है, और इसको हम जो है कलर चेंज कर लेना है। तो कलर हमको यहाँ से येल्लो कर लेना है, सिंपली कॉपी लेयर बना के हम पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पर भी हमको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद हमको कॉपी लेयर यहाँ से पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करने के बाद हमको यहाँ से साइज इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ छोटा करने के बाद हमको यहाँ पर अब इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब जो है वीडियो पर इन तक बनेगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको ऐड कर लेना है, तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। अब जो है वीडियो पर लास्ट तक बनेगा, ठीक है। इतने करने के बाद सिंपली हम इसको कॉपी ले रहा हूँ और पेस्ट कर लेना है, तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। इतने करने के बाद फिर से कॉपी और फिर से पेस्ट, तो हमारा लेयर बनते जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली हमको फिर से कॉपी और फिर से पेस्ट कर लेना है, इसके बाद ये हमारा यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कलर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो है सिंपली फिर से हमको एक और लेयर, मतलब एक और PNG ऐड कर लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम जो है एक और PNG ले लेते हैं, PNG हमको ये वाला ले लेना, ठीक है। छोटा इसको कर लेना है पहले, छोटा करने के बाद हमको यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमको थोड़ा अप कर लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट बनकर हो चुका है रेडी। तो देख सकते हो बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो आपको सिंपली गैलरी में सेव करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो डन वाला ऑप्शन है सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है हमको प्रेस, ठीक है। प्रेस करने के बाद हमको नीचे में देख सकते हो सेकंड नंबर पर ये शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन है, सिंपली इसमें कर लेना है हमको प्रेस। इतना करने के बाद हमको यहाँ पर GPG वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर भी कर लेना है प्रेस, और यहाँ से हमको PNG सेलेक्ट कर लेना है। PNG सेलेक्ट करने के बाद हमको पिक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर ओके पे कर लेना है प्रेस, तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे कि देखते ही हमारा गैलरी में सेव हो चुका है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम लोग जो है नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं उसका जो है नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।